नवी मुंबई कर अब हो जाओ सावधान, क्योंकि क्या पता आपके दरवाजे पर आए हुए डॉक्टरों द्वारा दिए गए दवाइयों से आपके बच्चे बीमार हो जाए। हम ऐसे ही एक डॉक्टर की करतूत का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। डॉक्टर एवं डॉक्टर्स द्वारा चलाई जा रही संस्था बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है, जिसका भंडाफोड़ शनिवार को पनवेल स्थित वाल्मीकि नगर में हुआ। डॉक्टर सुधीर सिंह द्वारा चलाए जा रहे सुतार हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिए गए दवाइयों का साइड इफेक्ट का शिकार 10 साल का सुजल मुंडे हुआ है। आप भी देख सकते हैं डॉक्टर सुधीर सिंह द्वारा दिए गए दवाइयों के कारण सुजल की क्या हालत हो गई है। इस पूरे हादसे के बारे में सुजल के पिताजी ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी। आले घरी विजिटला ते दरवाजात बोलते 50 रुपये पावते भाड़ा, 3000 इंजेक्शन तुम्हाला 1150 रुपयात देऊ। म्हटलं ठीक आहे। बोलते हे कावीळ टायफॉइड याच्यावरती संपूर्ण असतो। म्हणतो 28 तारखेला आले तर मला फोन करून बोलवलं त्यांनी। फोन करून बोलवल्यानंतर मी गेलो तिथेशी, तर बोललो ठीक आहे, म्हणतो तुम्हाला 1100 रुपये तुम्ही आम्हाला द्या। म्हटलं ठीक आहे, 1100 रुपये दिले यांना। 1100 रुपये दिले, त्या दिवशीला बोलले इंज ताप आला तर बर्फाने शेकवा। मी म्हटलं ठीक आहे, बर्फाने शेकवतो। बर्फाने शेकवलं ते ताप का उतरत नाही। डॉक्टरांना फोन करतो तर बोलतो मी आता 6 महिन्यानंतर येणार बोलते। तो सुनील म्हणून एक त्यांचा होता तो आहे, आणि डॉक्टर दुसरे आहेत स्क्रीनवरती एकदम, आणि ताप कंटिन्यू देत आहे। डॉक्टर म्हणता बोलतो आता आम्ही इथे येणार नाही, आता 6 महिन्यानंतर आमचं बोलतं कॅम्प आहे। मी फोन करून त्यांना दुसरे विजिटला लोक भेटले, त्यांना विचारलं मी आता केव्हा येणार, बोलते ना आम्ही आता 6 महिन्यानंतर येणार, आणि आज बघतो ते इथेशी येणार आहेत। यह हादसा घटित होने के बाद सुजल के पिताजी एवं उसके परिजनों ने डॉक्टर को इस बात की जानकारी दी। तो डॉक्टर का कहना था कि इन दवाइयों का असर ऐसा ही होता है और आपका बेटा पहले से बीमार होगा, इसलिए इसका असर ज्यादा हुआ होगा। मगर गुस्साए सुजल के परिजनों ने डॉक्टर सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया। तब डॉक्टर सिंह का क्या कहना था आप भी गौर फरमाइए। नहीं नहीं, आप डॉक्टर हो, लेकिन यहाँ पे जो बंदे आए थे आपके वैक्सीन देने के लिए, वो बंदे मैं वैक्सीन में खुद देने के लिए आता हूँ सर। लेकिन आपके जो बंदे बोल रहे हैं कि हम लोग ही वैक्सीन दे रहे हैं, कौन बोल रहा है? और ये सर ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है? ऐसे कोई भी वैक्सीन से वैक्सीन का फीवर होता है, स्किन रश होता ही है, कोई भी वैक्सीन इसमें कौन सा हो गया स्किन रश होता है बॉडी में। और इन्होंने दोनों बच्चों को वैक्सीन दिया है, एक ही बच्चे को हुआ है। हम आपको बता दें कि पनवेल स्थित बच्चों को पीलिया, चेचक, प्लेग जैसी बीमारियां ना हो, इसलिए नेहरू स्थित सुतार हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इन दिनों पनवेल के बच्चों को हेपेटाइटिस ए, जॉइंडिस, चिकन फॉक्स का डोज दिया जा रहा है। इसी डोज का शिकार वाल्मीकि नगर का यह 10 साल का सुजल हो गया, जिसके कारण सुजल के परिजन सख्ते में आ गए है। यदि इसी तरह से कुछ संस्थाएं अगर डॉक्टर के नाम पर नकली दवाइयां दे रही है तो बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है। कैमरामैन विजय कुटले के साथ कर्नाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट।